नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सफलता की कहानी, यानी कि मेरे जीवन की सफलता की कहानी, हमारा कौन आदर्श बना, किसने हमें आदर्श बना के आगे बढ़ाया, कौन हमें क्या चीज देता है, क्या सिखाता है, परेशानी और परिस्थितियों से कैसे हमें निकालता है। आज हमारे से पाथ ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की कहानी में पधारे हुए हैं दैनिक उत्तम हिंदू जी के चीफ एडिटर इरविन खन्ना जी, जो एक इसके संस्थापक भी हैं। और देखा जाए उनकी बहुत सारी बातें देखने में आती हैं कि वो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं। और वो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखती हैं, उनकी कलम जो चलती है तो बहुत ही साफ सुथरी और देखने में बहुत अच्छी भी लगती है। उनके बारे में जानने के लिए आइए उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और सुनते हैं उनके जीवन की सफलता की कहानी। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दैनिक उत्तम हिंदू, इस ये बहुत सारे न्यूज है देखने में आते हैं, ये हमने एक नया ही नाम सुना, हो सकता है कि मैंने सुना हो या फिर औरों ने भी सुना है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये नाम ही आपने क्यों चुना, दैनिक उत्तम हिंदू? ये दो कारण है इसके। जी, एक तो जिस समय 1983 में स्टार्ट किया तो उस समय जो पंजाब का माहौल था जी, उसमें एक नारा दिया गया था, एक स्लोगन था, 35 हिंदू मारो और खालिस्तान बनेगा। और मैं इस चीज को मानता था कि मौत तो परमात्मा के हाथ है, एक व्यक्ति नहीं मार सकता, जब सब पल शान जगह लिखी है उस पर आदमी पहुंच जाएगा। दूसरा, इसका जब हिंदू शब्द आया तो फिर मैं गीता के अध्याय में गया, 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है, उसमें उत्तम हिंदू नहीं वर्ड, भगवान ने उत्तम पुरुष लिखा है, जो सब में मुझे देखे और मुझ में सब में देखे वो उत्तम पुरुष है। तो मुझे फिर ये दोनों बातें मेरे दिमाग में स्पष्ट हो गई भी ठीक है, एक मानता के रूप से भी उत्तम हिंदू ठीक है, जो फिलोसफी गीता ये कह रही है कि परमात्मा के रूप में सब, तो उसको स्वीकार करते हुए और दूसरा चुनौती को स्वीकार करते हुए ये एक मिड वे समझ रहे हैं कि उत्तम हिंदू नाम सबका ले। लेकिन पंजाब के साथ एक हिमाचल भी जुड़ता है और एक हरियाणा भी जुड़ता है, तो आपने पंजाब को ही क्यों चुना कि मैं यही एक स्टेट जो है इसमें ही ये न्यूज चला? नहीं, मेरा जन्म ही जलंधर में हुआ, मैं अच्छा। पढ़ा लिखा यहीं पे, तो मेरे को तो चुनौती थी ना जी, क्योंकि जब मैं 10th में था, 11th में थे, 1967 में जब पंजाबी सूबा बना तो उस समय एक नारा लगा कि गंगा धोती टोपी जमुना पार। अच्छा, तो थोड़ा सा उस समय इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके काम में आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उस समय मैं यूनिवर्सिटी पंजाब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टेट बैडमिंटन खेला, उसका कैप्टन रहा, नॉर्दर्न चैंपियन रहा, तो एकदम मुझे आया कि 35 दो मारो खालिस्तान में, इसका मतलब 66 से 80 तक, 78 में जो नारा से 80 तक, तो मेरी अपनी पहचान क्या है, मैं पंजाबी हूँ, जलंधर का जंपर, और यहीं के कॉलेज डीएवी कॉलेज से पढ़ा हुआ, एमए की हुई, सारा यूनिवर्सिटी खेली सब कुछ, पर मेरा तो जहाँ पे जीरो कंट्रीब्यूशन, कोई रिकॉग्निशन ही मेरी मिली, उस रिकॉग्निशन के नाम से उत्तम हिंदू मैंने शुरू किया कि मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए, मेरे अपने संस्कार है, मेरी अपनी संस्कृति है, उसको कौन करेगा, पैसा धन का क्या, धन तो आज है, निधन के बाद तो धन खत्म है, धन का संपर्क निधन तक ही है ना, धन और निधन आप ला लो तो बस खत्म है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो संस्कार आपके लिए पीढ़ी को क्या देंगे। देखो, मेरा सोच है कि जीवन जो है ना एक 400 मीटर रिले रेस है जी। हमारे जो ऋषि मुनि उन्होंने 100 साल का उम्र लिखी, उसमें एक प्रार्थना की है कि स्वास्थ्य जीवन हो 100 साल का, तो 100 साल की रेस 400 मीटर रिले रेस बैटन देता है एक एथलीट, उस बैटल में एक एथलीट पहले लीड में लेता है, सेकंड जो होता है वो कई दफा पीछे रह जाता है, दूसरे वाला आगे निकल जाता है, तो ये जिंदगी है, किसी के हाथ से बैटल छूट ही जाती है, पकड़ ही नहीं पाता वो, तो जो जिंदगी के पहलू है उसको सोचना गहराई से लेना चाहिए। तो उस हिसाब से ये सोच आई मुझे कि नहीं, मैंने अगली पीढ़ी को क्या देना है, पैसे देने हैं, संस्कार देने हैं, क्या देना है, तो उस हिसाब से मेरे परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, बिजनेस कम्युनिटी थे, और घर में भी विरोध हुआ, समाज ने भी नहीं मुझे पहचाना या मानता नहीं दी, समाज ने नहीं, उनका कहा व्यापारी का बेटा आगे अखबार शुरू, और मुझे अपने भी उस हिसाब से लैंग्वेज में उस हिसाब का कोई कंट्रोल नहीं था, जो इंग्लिश या पंजाबी या हिंदी के व्याकरण पॉइंट ऑफ व्यू से एक भावना थी,
भावना में आया भी ये चुनौती स्वीकार की, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जैसे खेल के मैदान में होती है ऐसे जीवन के मैदान में चुनौती की और आज सक्सेस है। मान सम्मान प्यार मिला, पहले 15-20 वर्ष नहीं मिला, लेकिन बाद के आज 40 साल हो जाने होने को, अगले साल 40 साल हो जाने हैं, तो पिछले 15 साल परमात्मा ने वो सब कुछ दे दिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। जी। जो संघर्ष करते समय उस समय मेरे साथ जो दौर था, मेरे कई साथी जो इस हिंदुत्व में लगे हुए थे, हिंदुत्व में उनको गोली भी लगी, चले भी गए, उनको अपना कंधा भी दिया देखा, पर उस समय ये सोच नहीं था मैंने पहले जाना है उसने पहले जाना, पर एक सोच थी भी इस लड़ाई से लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा आप हरियाणा से या दिल्ली में बैठा कोई कोई चाहे हिंदू है चाहे परिवार का भी सदस्य हो वो भी नहीं आएगा जहाँ पे, ये अपनी लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी जीवन में, इंसान में दूसरा नहीं लड़ सकता, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के इरादे से सोचा और परमात्मा ने ऊपर पुरुषार्थ के साथ वो परमात्मा का साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो जैसे ये न्यूज आप पत्रिका जो है इसके साथ साथ आपकी किन किन चीजों में रुचि है, जैसे लोगों की होती है खेल में पढ़ाई में, जैसे आपके ऑफिस में देखा जाए आपको स्टडी का बहुत शौक लग रहा है मुझे। मैं मेरा देखिए जब तक एमए करी जी तब तक कोई पढ़ाई का शौक नहीं था, एमए भी सिर्फ कॉलेज वालों ने इसलिए ज्वाइन करा ली कि 50 नंबर मिलते, 45 मेरे थे बीए में, 45% 5% लोग स्पोर्ट्स कोटे में मिलते हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपके बनते हैं 5% स्पोर्ट्स कोटे में, ये तो कॉलेज निकले के बाद ये स्थिति बनी पंजाब की राजनीतिक स्थिति बनी, तब मुझे चिंतन आया मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ, मुझे तो पता ही नहीं, फिर वो अपना जो है ना अपनी पहचान ढूंढते हुए अपनी संस्कृति अपने हमारा पीछे क्या है कहाँ से आया वो ढूंढते ढूंढते सबसे पहले फिर मैंने स्वामी विवेकानंद पढ़े, फिर राधा कृष्ण पढ़े, वीर सावरकर पढ़ा, फिर अध्यात्म की साइड पे जितने थे फिर जितने मिलते गए वो जैसे जैसे भूख बढ़ती गई आते गए तो बढ़ते गए, और अब इस समय लगता है एक समुद्र से बाल्टी जितनी स्थिति है हमारे कितने पार लोग कितने घर है, बिहार से जितना चल सके उतना निभा लो, लिमिट तो है ही नहीं इसकी, ज्ञान का समुद्र है, समुद्र में आपका दिमाग एक बाल्टी समझो गड़वी समझो जो भी एक छोटी एक पॉट की तरह है, जितना भर सकते हो भर लो बाकी ठीक है, और इस स्टेज पे आके आप संतुष्टि होती है, और मेरे जो पुराने कहावते हैं कि एक पेट्स मेरे पक्षी और डॉग्स इनका मेरे में 200-300 का परिवार वो है, और ये 200-300 किताबें होंगी, 1000-2000 किताबें होंगी इनको पढ़ते और बाकी धीरे धीरे जो होता है ना समाज वैराग्य की तरफ निकल रहा है, एक स्टेज वो आती है आदमी की आंत और शांत में रहने की। मेरे साथ मैं ब्रह्मकुमारी आश्रम से मेरे ख्याल 20 साल पहले मिला, उस समय इतना माहौल था 89 की बात होगी कि शिवरात्रि के नाम पे कोई चलने को तैयार नहीं था, डरते थे लोग हम कहाँ से निकले, तो यहाँ में प्रसाद दास और सुरेंद्र भाई ये दोनों मेरे पास आए, उस समय ये इवनिंग पेपर था, तो इन्होंने कहा तो मेरे के दिमाग में वैसे ही शिव का भक्त था, तो उन्होंने कि हम तीनों निकले तो चलो निकलते हैं शुरू करते हैं, तो जो हमारा पहला बजट था मेरे ख्याल 20-25 हजार का बजट था जी। तो जो लास्ट था मेरे 4-5 लाख में हमने फिर मांगी हमारे से देवीतला मंदिर वालों ने कहा कि आप यहाँ से हमारे प्रांगण से निकलो, तो इधर आश्रम से यही था कि आश्रम की जो सेंट्रल पॉइंट इस तरह नहीं बनना चाहिए, आप वैसे सेवा कर, क्योंकि जो जो साल था उसमें आश्रम की भूमिका बहुत बड़ी रही, और उसी से समझ लगती है कि एक अनुशासित और संगठित जो परिवार है वो आपकी सक्सेस का राज बनता है, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में ले ले चाहे सामाजिक जीवन में ले ले। मेरा ये मानना है ब्रह्मकुमारी आश्रम का कि परिवार की तरह है, और परिवार की जो पहचान जो कही जाती है वो उसके सदस्यों से बनती है, एक परिवार से जो बच्चा निकलता है वो 18 साल बाद 20 साल बाद जाके समाज में अडल्ट जब व्यस्क हो जाता है तब समाज में विचरता है, तो आप भाई बहन जो आश्रम से निकलते हैं उनका जो पहचान तो आश्रम के आप लोगों से है ना, संगठन तो एक कागज पे लिखी है, अब मैं उत्तर में तो बिल्डिंग में बैठा हूँ तो जो बिल्डिंग दीवारों की है, लेकिन जो मेरे काम करने वाले सदस्य हैं जो टीम है जो परिवार है उससे संगठन की छवि बनेगी ना जी। तो आश्रम के जो भाई बहन हैं उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो 20 साल
कंटिन्यूसली रहा, और सुरेंद्र भाई से तो आज भी है, दस से दस है। हम शिवरात्रि का कार्यक्रम दूसरी चलेगी संस्था को, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध उसी तरह है, आज दुख सुख में हम उसी तरह खड़े हैं। उसका कारण यह है कि ये परिवार के जो सदस्य, यहाँ से मेरा जो फीलिंग है, हमारा एक कहावत है कि आदमी की जो ना पहचान है वो तीन तरह से मानते हैं जी। एक तो उसका पहले शक्ल, वेशभूषा, अस्थाई पहचान इसको बोलते हैं। पहली पहचान जो है, आप मेरे को मिलने आए, मेरे वेशभूषा, मेरा हाव भाव देखेंगे, उससे आपकी एक छवि बन जाती है इंसान की। दूसरे और उसका स्टेज आती है, स्थिति आती है जब वो बोलता है, वो किस भाषा में बोलता है, किस लहजे में बोलता है, किस हाव भाव से बोल रहा है, तो फिर आप उसको अगली स्टेज वो आ जाती है आदमी। और जो स्थायी स्थिति बनती है उसके कर्म से बनती है। तो मुझे आज मैं बिल्कुल स्पष्ट होकर कह सकता हूँ, जो वो आश्रम के भाई बहन है तीनों दृष्टि से पास है मेरी नजर में। बाकी समाज जाने वो मैं नहीं कह सकता, वेशभूषा सारा। और ये एक जो आश्रम की अगर भूमिका मैं कहूँ तो माली की तरह है। माली जब पौधा लगाता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसके फल फूल मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, और उसका टारगेट भी होता है कि जड़ को पानी देना। तो समाज की जो जड़ है वो संस्कार है जी, बिल्कुल। समाज की जो प्रफुल्लता हो ना उसकी जड़ों में, उससे संस्कार अगर है तो समाज बढ़ेगा। तो आश्रम अपने हिसाब से वो संस्कार दे रहा है। और अगर हम जीवन की तरफ जाए तो जीवन का जो संघर्ष है, ये गीता में भी कहा गया कि जीवन का संघर्ष ये तीन तत्वों को है, वृत्तियों को लेकर है, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीनों का संघर्ष सारे जीवन चलता आदमी का। और इन संघर्ष में मैं सोचता हूँ कि जो आश्रम की भूमिका वो सात्विक पल्लड़े के साथ या धड़े के साथ है, जो ये प्रवृत्ति है इसको कैसे उन्नत किया जा सकता है। और वो अपने कर्म से भी करते हैं, भाई बहन केवल प्रवचन से नहीं करते, हाँ प्रवचन दे दिया, एक घंटे का लेक्चर दे दिया, खत्म हो गया ना। उन्होंने अपने जीवन में जो समर्पण भाव ले आए, जब आप समर्पित हो गए तो उसका मतलब आपने सारा जीवन उस लक्ष्य की ओर लगा दिया कि हाँ सात्विक जीवन में क्या है, और यही सच्चाई है। और ये एक जैसे हम प्रारब्ध कर्म और आज के कर्म, इनका झगड़ा जो चलता है उसमें जब आप ये चीज ले, मैंने जो जैसे आप लोग अब खाते नहीं है ये बातें, वहां भी मैं जब शुरू में जाता था बड़ा अच्छी था, तो ये आगे गीता में भी यही कुछ है कि हमारा आहार, भाव और व्यवहार तीनों करेंगे आप लोगों के आगे, तो फिर वो बनाने की जगह का भी है, जो जो मैं ये भी आ जाता है किस जगह में और कौन बना रहा है, उसके भाव भी आहार में आएंगे, और आहार के भाव व्यक्ति के, व्यक्ति के भाव आगे व्यवहार में आएंगे। तो ये एक गहरी बातें हैं, पर इसको समझना करना हर कोई नहीं कर सकता। देखिए एक बात मान के चले, क्योंकि हमारे में ब्रह्मचार्य को जो करता है वो पूजनीय हो जाता है, मतलब साधारण आदमी इसमें जा ही नहीं सकता। और दूसरी बात, हमारे में आश्रम गिने जाते हैं तो गृहस्थ को आधार माना जाता है, गृहस्थ पे ही सारे आश्रम निर्भर है, अगर गृहस्थ नहीं है तो दूसरा कोई आश्रम चल ही नहीं सकता। तो इस मान से जो निकलते हैं, जो जिन्होंने इस दुनियावी भौतिक दुनिया में अपने आप को एक सात्विक पंथ में समर्पित किया, तो वो पूजनीय अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि उनके तपस्या तो उसी समय शुरू हो गई, वो जीवन में तपस्या भी हो गए, चाहे भगवे नहीं पहने आपने, वो अपने कर्म से, अपने भाव से, अपने वाणी से आप जी, संत जी, हो गए ना आश्रम के। तो इसलिए वो फिर लोगों की उम्मीद भी यही होती है, आपको देखते भी उसी तरह, आपका व्यवहार भी उसी तरह होना चाहिए। एक हर रोज की परीक्षा हो जाती है, मैं समझता हूँ भाई बहनों की हर रोज की परीक्षा। एक IAS होता है ना, एक परीक्षा देकर 40 साल मॉडल लेता है अपने, मैं ठीक है मैं IAS बन गया, IPS बन गया, कोई भी बन गया, मतलब डिग्री एक मिल गई एक पर। जो इस रास्ते पे आ गया उसकी तो हर पल हर क्षण समाज देखता है वे क्या है, इसके एक्शन क्या है, इसके भाव क्या है। इसी तरह जो समाज इसी भाव को लेके मैंने उत्तम मंदिर शुरू की, जब शुरू की थी तो लोगों को यही आशा था कि क्या, पर वो जो एक वातावरण में निकले, रास्ता कुछ भी था लेकिन वो प्रभाव दिमाग में रहे, वो बातें रही। मुझे आज भी याद है जब मैं माउंट आबू गया, दादी माँ से मिला, तो उस समय लेक्चर कर रहे थे वो, तो उन्होंने किसी ने पूछा भी परिवार में या समाज में हारमोनी कैसे बने, जो बड़े द्वंद चलते हैं सारे, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया था उस समय, हार मान लो तो हारमोनी हो जाएगी।
अब उस समय हार मान लो, मुझे समझ नहीं लगा हार कैसे मान लें, हमें सिद्धांतों में कैसे हम कह रहे हैं। लेकिन आज की डेट में कि अहंकार को जब त्याग देंगे तो आप अपने आप हार मान लेंगे। अहंकार का त्याग ही हार है। जब आपके ईगो छोड़ दिया आपने तो उसका मतलब आप हारमनी की उस जो सक्सेस पार्ट है वो ईगो ही क्लैश करता है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि अहंकार आपको खा जाए आप अहंकार करता है वो उसको जला दो, हाँ उसको छोड़ दो, वो आपको जला दे, आप उसको जला दो, उसको उसमें ना। तो भाई बहनों में वो नम्रता का जो एक भाव है वो अन देखे अन कहे अन सुने जैसे भी कहें बीच में जाके जैसे एक महक होती है उस आदमी ले आता है वो महक रहती है। तो वो रही चाहे किसी बात पे मेरे मतभेद रहे अध्यात्म से, पर अल्टीमेटली जब आदमी में वेद पढ़ता हूँ तो वो जोत की बात ही आती है। जोत का नाम आपने कुछ और दे दिया, शिव बाबा दे दिया, शिव बाबा दे दिया, मैं जोत को आत्मा के रूप में उस तरह नाम बिना नाम के निराकार रूप देख रहा हूँ, ये है तो अल्टीमेटली वो जोत है। इसमें पांच तत्व में जाकर पांच तत्व में विलीन होना सबने अपने जी। तो वो एक उसके लिए फिर एक ही बात है कि आप अपने जो अहंकार को छोड़ के दूसरे के भाव को सम्मान पूर्वक स्वीकार कर ले। जब हमारा नमस्कार नम्रता पूर्वक स्वीकार किया, जब आप इंसान को कर रहे हैं तो उसके गुण अवगुण दोनों को स्वीकार करके सहज भाव से जीवन के साथ गुजार रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एक होता है राजनीति, तो आपका पत्रिका भी एक राजनीति के हिसाब से है, जैसे देखा जाए आप लिखते हैं, आपको कभी ऐसा किसी ने फोर्स किया कि भाई नहीं तुम्हें ये ही छापना है? ऐसा ना तो कोई फोर्स कर, देखो ये जीवन के ना जो स्विच ऑन ऑफ तो है नहीं जी। जैसे आज सुबह कोई मुझे बोले कि मैं आश्रम का समर्पित भाव आ गया, वो नहीं, मुझे मुझे एक प्लान करना पड़ेगा, अपने सोचना पड़ेगा। तो ये एक चुनौती थी। अच्छा, ना राजनीतिक रूप से ना फाइनेंशियल रूप से मैंने इसको सोचा था, ये तो एक अपने अस्तित्व की लड़ाई थी मेरी। मुझे लगता था कि मैं, मेरे बाप तो माँ बाप मतलब मदर तो यहीं के थे, लेकिन फादर मेरे पाकिस्तान से आए थे, मैं तो यहाँ पे हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं पहचान मिली? मेरी होम को जब आप नकार करते हो इनकार करते हो तो ये होम ही नहीं है। हिंदू पंजाबी हिंदू हिंदू है ना, तो पंजाबी में जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डील करेंगे, और जबकि मैंने उस यहाँ पर नमक भी खाया। अच्छा एक बात एक समझे आप, मैं आबो हवा सेम है जिस हवा में सिख समुदाय है हिंदू समुदाय में, केसदारी गैर केसदारी कहना मैं सिख हिंदू ना करूँ, केसदारी के कैसदारी करूँ, एक ही पंजाबियत की जो भावना लैंग्वेज भाषा जो हम कह रहे हैं तो उसमें अलग कैसे हो सकता? जब वातावरण एक वृक्ष, जब वृक्ष लगे वातावरण सेम है एक ही कैटेगरी के, हम तो सारे इकट्ठे निकलेंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि एक वो तो है पौधा ही, जब लगना ही नहीं इस जगह तो वो लगेगा ही नहीं, जब वो हरा भरा तो वो समान ही होगा ना फिर उसमें क्या। लेकिन फिर भी अलग अलग जात पात का एक भेदभाव दे दिया है, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि एक है लेकिन होता नहीं है, तो उस समय आपका क्या प्रयास रहेगा उसमें? ये है देखिए पंजाब की समस्या क्या है, पंजाब में बिफोर पार्टीशन जो आज से समझे जो मुगल पीरियड ले लें, मुगल पीरियड में संघर्ष सबसे ज्यादा गुरुओं ने करा। अच्छा, गुरुओं ने पंजाब का जो एरिया पंजाब हिमाचल जो हरियाणा इस समय बना लिया लाहौर इस समय जो आक्रमणकारी आए उनका विरोध जो है गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ। पहले वो अध्यात्म से चुने, पहले पांच गुरु देखे वो सारे अध्यात्म पे, पर परिस्थितियों ने उनको बदला। जब उनको लगा कि अध्यात्म के साथ शास्त्र के साथ शस्त्र जो ऐसे कहते हैं मीरी पीरी का जो रूप आया वो परिस्थितियों ने दिया, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई तब भी आई। वो जब औरंगजेब ने बोला जो पेशदारी गुरु गुरु का शिष्य मिले उसको सिर कलम कर दो, उस समय हिंदुओं ने अपना पहला बड़ा बेटा गुरुओं को अर्पित करना शुरू किया। जी, जी, जी। तो वो स्ट्रगल करते करते पंजाब की एक अपनी विशेष पहचान बन गई। उस पहचान में धीरे धीरे ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे 99% या 98% कम्युनिटी जो है पंजाब भारत से संस्कारों से संस्कृति से जुड़ी हुई है आज भी पहले भी और थॉट प्रोसेस भी गुरु ग्रंथ साहब के थॉट प्रोसेस देखें तो हमारे प्राचीन जो है उसका एक गुलदस्ता के रूप में संकलन है जिसकी महक सारी तरफ है जो हमारी
जो भारत की संस्कृति जिसको हम कहते हैं उसके आज अगर मैं कहूंगा लेटेस्ट रिलीजन गुरु ग्रंथ साहब, वेद पुराण या और जितने भी गीता सब आए ना, उसका जो कलयुग का जो लेटेस्ट संस्करण हम जिसको कह सकते हैं मानवता के लिए दुनिया के लिए वो गुरु ग्रंथ साहब, उसमें सब कुछ है जो हमारा हम ढूंढते हैं जो उसमें सब कुछ है। तो उसको लेके जब हम आगे आते हैं तो अंग्रेजों ने जो ये अलग का शुरू किया, ये 1857 की जो पहली है जो स्वतंत्रता की लड़ाई जिसे हम उस समय गदर कहा गया, पर लड़ाई है पहली जी। उसके बाद अंग्रेजों को लगा भी कुछ तत्व तो ऐसे चाहिए जो जो अगर मुगल को मुसलमानों को अलग करना है तो हिंदुओं में सिखों को भी अलग करें, ताकि जितना डिवाइड एंड रूल का फार्मूला था उसमें 1-2% आए। वो वृत्ति आज भी है, देखो इसमें कोई स्वीकार करके चला जी, जी। आज लोकतंत्र में वोट पड़े हैं तो उसमें भी 1.5% मिला है जो राजवादी या गरम दलिया 1.5% है, तो वो 1.5% उस समय था, आज भी चला आज भी चल रहा है। तो ये इसको खत्म करने के लिए आपको जो है वो साहित्य चाहिए, प्रचारक चाहिए जो राष्ट्रीय भावना से उन 1.5-2% के लिए भी चले, क्योंकि ये जब एक माइंडसेट बैठा था इससे बाहर निकलना नहीं हमने, फिर वो समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन आपने कहा चाहिए, इसके लिए हमें मतलब क्या प्रयास करना, जैसे आजकल का यूथ है, मैं खासकर यूथ के लिए फोर्स चाहती हूँ कि यूथ क्या करे उसके लिए। मैं तो आश्रम को सामने रख के कहता हूँ जी, देखिए जीवन जो है आपने समर्पित कर दिया जी, अध्यात्म तक तो ठीक है बिल्कुल, आप जैसे पंजाब के अभी आगे क्या करें, शिक्षा स्वास्थ्य ये 2 क्षेत्र हैं जो आपके लिए मैं आज भी चुनौती देता हूँ, क्योंकि अगर 10 साल बाद या 20 साल बाद आपकी स्टेज में स्टेगनेंसी आ जाएगी जी, जी। जब ठहराव आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसमें नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है जी, जी। तो आश्रम के पास इतना अनुशासन है, इतना भावना है, तो ये 2 क्षेत्र हैं जो पंजाब में आप कर सकते हैं, पंजाब क्या दुनिया में जहां भी आप चले जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों से आपके संस्कार भी चले जाएंगे, आपके भाव भी चले जाएंगे और आपका संदेश भी चले जाएगा जी, जी। जब इसी तरह से उत्तर हिंदू का भी यही है जी। तो मुझे लगा कि कहने करने से कुछ नहीं, आप साहित्य को दो, आप संस्कार को दो, ताकि जो भी 1-2-3 जैसे मालिका मैंने शब्द में ले लिया कि आपके 2 लग जाए पौधे 3 लग जाए पौधे वही आगे वट वृक्ष बन सकते हैं इस आशा के साथ जी, जी, जी। तो मेरा आज भी आपको यही है कि मैं पहले भी 20 साल पहले भी मैं यही कहता था सुंदर भाई से, मेरी दास साहब से ये होती है, इनका था नहीं हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं मेरा है कि जब आप आज के युग में स्वास्थ्य और शिक्षा का ही एक माध्यम है जो आप संस्कार आगे अगली पीढ़ी को दे सकते हैं, जिस सोशल मीडिया या जिस ये परमार्थ का काम है, शिक्षा में जब प्राइवेटाइजेशन जैसे हो गई वो भी एक दुकानदारी हो गई, डॉक्टर जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें मेजोरिटी दुकानदारी हो गई, डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या यही आज की डेट में आ रही है कि जो ओथ उनको फाइनल पास आउट होने मिलते हैं उसको भूल गए, बहुत अच्छा जो मानवीय पक्ष था उसकी कमजोर होने से ही वो आगे चले गए ना, तो आप केवल मानवीय पक्ष अध्यात्म तक नहीं रख सकते। आज अब दुनिया में देखिए अगर जो क्रिश्चियनिटी तलवार के जोर पर नहीं चली जी, वो शिक्षा और स्वास्थ्य के जोर पर निकल गई, आज दुनिया में सबसे आगे है। आप उस साइड पे मैं देखूं तो आप एक सनातन संस्कृति का एक प्रिलिमिनरी राउंड है, पहला राउंड आप आगे जाएंगे तो इसको विश्व पे जहां भी ले जाए बिल्कुल, वो एक इतना ओपन फील्ड है, वह इतना है कि आप इस 2 पे जितना काम कर लें, और फिर जब आप देखिए आप जब एक बात कहते हैं कि खाना बनाने के जगह और बनाने वाले के भाव आगे पास ऑन होते हैं, तो जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य में जाएंगे तो वहां भी तो पास होंगे ना बिल्कुल। वो भावना जो है जो भाव और भावना है ये बड़ा एक गहरा और इसका असर है धीरे धीरे जी। ये एकदम नहीं भी स्विच ऑन ऑफ किया, जब धीरे धीरे चलते हैं उस रास्ते पे कठिनाइयां में आप जो दूसरे है जो कोला बनाने वाला वो जड़ को काटता है जो माली वो सींचता है, दोनों काम तो अपने पेट के लिए कर ही रहे हैं, उसकी भावना में दोनों में फर्क है जी, जी। तो मैं ये आज आप आए हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 2 फील्ड है आपके लिए जी।
इसको आगे लेके जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इससे आपके भाव और भावना जब आगे अगली जनरेशन पे जाएंगे, एजुकेशन में आप कोई भी, अब ये नहीं कि बीए की डिग्री देनी, टेक्निकल साइड है, तो साल साल के डिप्लोमा है वो शुरू कर रहे हैं, अध्यात्म के, फिलोसफी के, टेक्निकल साइड है। मेरे को याद है आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले एक आर्टिकल निकला था कि इंजीनियर मरुति को गुड़गांव साइड में उन्होंने चाहिए था जो इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर जो था उन्होंने इलेक्ट्रिशियन के लिए पोस्ट कर दी, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे थे क्योंकि इंजीनियर है, इंजीनियर है व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाओ, इलेक्ट्रिशियन हैंडवर्क वो नहीं मिले उनको, इंजीनियर ज्यादा आ गए, इंजीनियर चाहिए नहीं हमें, हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, जो मैकेनिकल साइड पे जो है वो चाहिए जो हाथ से काम करने वाला चीज, आप कम से कम हाथ में काम वाली चीज तो दे सकते हैं ना, डिग्रियां दे आप 6 महीने के टेक्निकल कोर्स, अगर बहने हैं वहां पर उनके परिवार है सिलाई की मशीन पे उनको दे सकते हैं, डिजाइनिंग का दे सकते हैं, खाने का फूड प्रोसेसिंग का दे सकते हैं, ये चीजें आगे पासन कर सकते हैं ना। मेरे मैं आप एग्जाम्पल, मेरी वाइफ ने बादाम शरबत की बात करें या छोटी चटनी की बनाते हैं, वो कहते मैंने 5 रुपए में 1 महीने का कोर्स किया था जब मैं 11th में थी उत्तर प्रदेश, 5 रुपए लिए थे उन्होंने छुट्टियों में, उनका 1 महीने का कोर्स है, वो कहते आज तक मुझे याद है। तो इसी तरह आप जो जो बहने हैं उनके परिवारों को, उनके बच्चों को ये चीजें हैं जिसमें वो अपने पाँव पर भी खड़े हो सकते हैं और आपकी भावना और आपके संदेश को भी आगे दे सकते हैं, क्योंकि उनमें वो वृत्ति नहीं होगी मैं दूसरे को लूट लूं, उनके वो जाएगी परमात्मा की याद, मेरे को जितना चाहिए मैं परमात्मा दे रहा हूँ, मुझे ठीक है कर रहा हूँ। तो वो ये 2 फील्ड है, यही संदेश है, मैं समझता हूँ सबके लिए, ये एक व्यक्तिगत रूप में भी और संगठन के रूप में। संदेश में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो अभी आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जो जुड़े हुए हैं पिछले आपने कहा कि 20 वर्षों से, तो राजयोग मेडिटेशन जब आपने अपने जीवन में लेके आए, वो उसको और अपने कार्य को कैसे बैलेंस बना के चलते हैं, जरा 2 मिनट में आप बताइए। मैं तो मेरा तो यह है कि एक सोच आ गई अंदर जी, जब वहां पे जैसे भाई भाइयों से मिला, वहां पे इतने लेक्चर सुने, दिए भी सुने भी सारा कुछ, तो उस समय वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लिया, बस उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी कुछ सोचने की, जब जब अपने आप में उतार ही लिया फिर मुझे रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तो कर्म ही उसी तरह शुरू हो गए, व्यवहार भाव जुड़ गए, जब प्रकृति और प्रवृत्ति जुड़ गई तो 2 शब्द है प्रकृति और प्रवृत्ति, दोनों को जोड़ लिया, सुखद हो गए। अंत में आप हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई एक अच्छा मैसेज? एक तो यही है कि एक अनुशासित जीवन है ना, मर्यादित जीवन जिसको हम कहते हैं, वो जरूरत है आज के हमारे परिवारों में, जो मर्यादा है ना वो कम होती जा रही है, बड़े छोटे की, भाई बहन की। देखो एक संसार का जीवन जो गति है वो नर और नारी भी है, मादा और नर के, पर जब आप अपने बहन को हाथ लगाते हैं और चीजें, पत्नी को लगाते हैं और चीजें, माँ को लगाते हैं और चीजें, तो अगली जनरेशन को जब तक नहीं देंगे, अगर सिर्फ ये पैसा कमाने की दौड़ में चले तो संस्कार छूट गए, तो पैसा तो रावण के पास भी बड़ा था, कंस के पास भी बड़ा था, तो वो एक प्रवृत्ति वो लायक भी बड़े थे, कंस और रावण को नलायक तो नहीं थे, बुद्धिजीवी थे भी वो अपने समय के, समाज के, समाज के साथ। लेकिन वो धन के जब प्राथमिकता रही तो उनका पतन हो गया। भगवान राम को हम भगवान शब्द में अदा के साथ जोड़ते, रावण के साथ कुछ नहीं जोड़ते, उनका अंतर सिर्फ यही था कि उन्होंने वो मर्यादा तोड़ी, भगवान राम ने अपने अंत तक मर्यादा रखी, वो पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए, अगली पीढ़ी हो गए। तो इंसान चाहे परिवार में है, बाहर है, समाज में, संगठन है, जो अपनी मर्यादा में रहते हैं, हम गंगा मैया को माँ कहते हैं, लेकिन गंगा जब कानपुर में बाढ़ आती है कोई नहीं जाता वहां में, वो माँ का दर्जा छोड़ देती है, उस समय कोई जाता है गंगा के पास में डुबकी लगाऊंगा? गंगा जब मर्यादा में है तभी माँ है। तो इसी तरह जब आप जीवन मर्यादा में तभी वंदनीय है, पूजनीय है, आपके सत्कार योग है, अदरवाइज नहीं है। तो जो मर्यादा में रह के आप कोई भी जिस जगह पे भी है, माँ की, बहन की, भाई की, प्रचारक की, किसी भी संगठन के हेड की है, वो मर्यादा में है जी, तो वो पूजनीय वंदनीय है। तो इसी तरह ये समाज में है कि जहां भी जिस पद में बैठे हैं अपना मर्यादित कर्म करते जाएं और परमात्मा छोड़ते जाए।
बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया और साथ ही अपने जीवन के बारे में आपने हमें बनाया बताया। आप हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे ही आते रहें और हमें अपने जीवन के बारे में बताते रहें, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका बहुत आभारी, आपने मौका दिया सुनने का भी कहने का भी। जी दर्शकों, अगली कड़ी में फिर से एक नए आदर्श के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।